हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियलमी टेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कीपैड मोबाइल जिसका नाम है गुरु म्यूज़िक 2। ये सैमसंग का मोबाइल है और ये आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और इसमें जो है और इसका मॉडल नंबर है SMB315E। यहाँ पर उसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं कि QQVGA TFT 5.1 सेंटीमीटर की डिस्प्ले है और म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, माइक्रो SD कार्ड मिल जाएगा, FM रेडियो टॉर्च में भी मिल जाती है आपको इसको। तो जल्दी से हम इसकी अनबॉक्स कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह का ये मोबाइल है। तो सबसे ऊपर हमें हमारा मोबाइल रखा हुआ मिल जाता है, ये कुछ इस तरह का मोबाइल है देखने में, इसको हम बाद में देखेंगे। और देख लेते हैं डब्बे में क्या क्या मिल जाता है। तो हमें बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये इसका एक चार्जर है जो कि 5 वॉट का चार्जर है ये, और ये जो है USB में आता है। और ये इसकी बैटरी है और ये 800 mAh की है। इसको अभी हम मोबाइल के अंदर डालेंगे। और ये इसका एक एयरफोन मिल जाता है जो कि सैमसंग का टिपिकल ओल्ड, सबसे ज़्यादा बिकने वाला, चलने वाला ये इसका एयरफोन है। तो इन सारी चीज़ों को हम रख देते हैं साइड में। अब हम जल्दी से इसको, इसकी बैटरी को इस मोबाइल के अंदर डाल लेते हैं और फिर हम देखेंगे मोबाइल को। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये मोबाइल है, आप देख सकते हैं। इसके ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर मिल जाता है और ये इसका ऑडियो जैक है, और यहाँ पर आपको टॉर्च मिल जाती है, और ये इसका चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पर आपको एक माइक मिल जाता है। तो हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो है म्यूज़िक लाइब्रेरी मिल जाएगी जब आप जो है इसमें SD कार्ड डालेंगे। तो यहाँ पर आपको हिंदी का भी सपोर्ट मिल जाता है और ये ठीक ठाक सा मोबाइल है आप दोस्तों देख सकते हैं। अगर आप इसमें देखें तो ये कैमरा नहीं, ये रेडियो है। ये जो है कॉन्टैक्ट्स यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से कॉल डिस्कनेक्ट होती है और ये रिसीव करने का ऑप्शन है। और यहाँ से जो है मेनू उसका खुलता है, ये कॉल लॉक्स है, ये कॉन्टैक्ट्स है, ये म्यूज़िक है और ये माई फाइल है। जब आप इसमें SD कार्ड डालेंगे, मैसेजेस, रेडियो और ये कैलेंडर सेटिंग। सेटिंग में देखें तो आपको सिम मैनेजमेंट मिल जाता है, प्रोफाइल डिस्प्ले, डिस्प्ले वॉलपेपर आप चेक कर सकते हैं, बैकलाइट है या पावर सेविंग मोड है, और सारी चीज़ें, टाइम एंड डेट्स चेंज कर सकते हैं आप अगर आपका ख़राब हो गया है तो, फ़ोन है, लैंग्वेज शॉर्टकट्स, कीपैड ऑटो लॉक वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ से आप कितनी देर में ऑटो लॉक अपने लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये कीपैड लाइट है ऑन ऑफ करने के लिए, ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको कॉल मैसेजेस का मिल जाता है ऑप्शन, ये सिक्योरिटी है। और ये PC कनेक्ट है, यहाँ से आप अपने मोबाइल को PC से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि इसमें जो है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे म्यूज़िक वगैरह, और ये मेमोरी के लिए दिया गया है और यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं और ये एप्लीकेशन से यहाँ से आपको अलार्म, कैलकुलेटर और फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी फ्लैश लाइट देखें तो दोस्तों, अगर फ्लैश लाइट इसकी जो है तो इस तरह की काफ़ी ठीक ठाक सी फ्लैश लाइट भी मिल जाती है। तो इस दोस्तों काफ़ी बेसिक सा मोबाइल है और ये गोल्डन कलर में है, काफ़ी ठीक लग रहा है। और इसकी बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं और सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ मिलता है तो काफ़ी भरोसे लायक ये मोबाइल है। और दूसरी चाइनीज़ फ़ोन भी इस रेंज में आते हैं लेकिन उनसे थोड़ा ये महंगा पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक ठाक आपको ये क्वालिटी दे देता है क्योंकि ये स्मार्टफोन से पहले के मोबाइल हैं और ये काफ़ी चलते थे। अब ये ज़माना स्मार्टफोन का आ गया है, तब से ये बहुत कम लोग चलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ख़रीदना है तो आप इसको बिल्कुल बेशक ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।